नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एसेंशियल फेस पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूकंप के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में आर्थिक कहते हैं। इसी टॉपिक पे हम लेने वाले हैं 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका आंसर सभी को जानना बहुत ही जरूरी रहता है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। आज के इसी टॉपिक पे हम देखने वाले हैं सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन अर्थक्वेक। सेकेंडली विल सी हाउ द अर्थक्वेक ऑकर। थर्डली विल सी हाउ वी कैन मेजर एन अर्थक्वेक। फोर्थली विल सी हाउ वी कैन सर्वाइव फ्रॉम एन अर्थक्वेक। फिफ्थ एंड फाइनली विल सी व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग टू प्रिवेंट मैसिव एंड एक्सपेंसिव डैमेज फ्रॉम एन अर्थक्वेक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भूकंप एक ऐसी विपर्य है जिसे दुनिया में बहुत ही ज़्यादा लोगों की मौत या फिर बहुत ही ज़्यादा जान मान की हानि होती है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो रिसेंटली 2010 के जनवरी महीने में हयाती में 3,16,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अगर हम 2008 के चाइना में देखें तो 87,587 लोगों की मौत की खबर आई। और अगर हम बात करें 2005 के पाकिस्तान में, जिसमें 86,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इन सभी आंकड़ों को देखें तो इतने सारे मौत हो चुकी हैं, अगर हम कोई ठोस कदम ना उठाएं इसके प्रिवेंशन के तरफ, तो भगवान ना करे आगे जाकर ऐसी कोई और घटना हमें देखने को पड़ गई। सबसे पहले हम अर्थक्वेक का डेफिनेशन जान लेते हैं। इसका डेफिनेशन है, एन अर्थक्वेक इज एन इंटेंस शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। द शेकिंग इज कॉज्ड बाय मूवमेंट्स इन अर्थ आउटरमोस्ट लेयर्स। इसका मतलब भूकंप पृथ्वी की सरफेस का एक तीव्र झटके हैं, जिन झटकों के कारण पृथ्वी की सबसे बाहरी प्लेट में होने वाली एक हलचल होती है, जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन था, व्हाई अर्थक्वेक अकर्स, यानी कि भूकंप आता किस लिए है। इसका आंसर जानने के लिए हमें सबसे पहले हमारे पृथ्वी का गठन को बहुत ही अच्छे तरह से समझना होगा। हालांकि पृथ्वी की सरफेस काफी ठोस जगह की तरह दिखाई देती है, लेकिन रियलिटी में इसके सरफेस के नीचे बहुत ज्यादा मूवमेंट यानी कि एक्टिव रहती है। अर्थ बना होता है 4 बेसिक लेयर्स को लेके, जो है सबसे पहला ये सॉलिड क्रस्ट, दूसरा ए हॉट नियरली सॉलिड मेंटल, तीसरा ए लिक्विड आउटर कोर, चौथा ए सॉलिड इनर कोर। इन चारों लेयर्स को मिला के हमारा पृथ्वी का गठन होता है। इसी लेयर्स में से सॉलिड क्रस्ट और शिफ्ट लेयर्स और मेंटल के रीजन को लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर एक सिंगल पीस की तरह नहीं होता, जैसे कि हमारे कोई अंडे का छिलका जो कि एक सिंगल पीस से ढका रहता है अपने सेंटर को। ये हमारे अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये बना होता है बहुत सारे पीसेस को जोड़ के, और साइंटिस्ट इसी पीसेस को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, ये हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। इसी नॉनस्टॉप मूवमेंट की वजह से एक प्रेशर जेनरेट होता है, या फिर एक कह सकते हैं हम एक स्ट्रेस बनता है पृथ्वी के क्रस्ट पार्ट के ऊपर। जब ये स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा होने लगते हैं, तब क्रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं। जिस जगह क्रैक्स बनना शुरू होते हैं, उसी जगह को एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक आने के बाद उसी जगह बहुत ही छोटे छोटे भूकंप के झटके महसूस होते हैं, जिसे हम आफ्टर शॉक कहते हैं। आफ्टर शॉक कभी कभी एक हफ्ते या फिर एक महीने और मैं भी एक साल तक भी महसूस किए जा सकते हैं। भूकंप से निकलने वाला एनर्जी ट्रैवल करते हैं अर्थ को एक वाइब्रेशन के फॉर्म में, जिसे साइंटिस्ट सेस्मिक वेव्स कहते हैं। इसी सेस्मिक वेव्स को साइंटिस्ट सिस्मोमीटर्स इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। सिस्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, सिस्मोमीटर डिटेक्ट करता है सिस्मिक वेव्स को, जो कि एक सीरीज ऑफ जिगजैग्स वेव्स फॉर्म में होते हैं।
साइंटिस्ट इसी इंस्ट्रूमेंट की बदौलत अर्थक्वेक का टाइमिंग, इसका लोकेशन और इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है या फिर कितना है, उसी सभी को बहुत ही अच्छी तरह से मेजर कर पाते हैं। अर्थक्वेक कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, जिसकी वजह से हर साल बहुत ही ज़्यादा जान मान की हानि होती है। इसलिए हम सभी को अर्थक्वेक से बचने के लिए जो सभी प्रिकॉशंस हैं उन सभी को बहुत ही अच्छी तरह से जानना चाहिए और उसका सही समय पर उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि हम अर्थक्वेक से होने वाले खतरों से, उसके हानि से हम बच सके। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा ऐसे प्रिकॉशंस है जिसे हम बहुत ही अच्छी तरह से जानना चाहिए। सबसे पहले हमें झुक के किसी प्रोटेक्टिव ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टडी टेबल या फिर कोई डेस्क के नीचे छुप जाना चाहिए। जितना हो सके स्थिर रहने की कोशिश करना चाहिए जब तक कि भूकंप खत्म ना हो जाए। खिड़कियां, फर्नीचर या फिर ऐसी चीज़ें जो कि हमें नुकसान पहुंचा सके, वैसे चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर आप बिस्तर पर हैं या फिर कोई किसी बेडरूम पे हैं, तो अपने सर को ढकने के लिए अपना बिस्तर या फिर तकियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप बाहर हैं तो पेड़ से जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइन्स, इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि भूकंप के दौरान ये हमारे ऊपर गिरने के संभावनाएं रहते हैं। यदि हम किसी कार में हैं तो हम सभी को स्लोली जाके एक खाली जगह जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि हमारे ऊपर गिर सके, वैसी जगह में हमें रुक जाना चाहिए। अभी तक के लिए जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अर्थक्वेक से बचने के लिए कोई ऐसी सटीक वार्निंग सिस्टम नहीं बना है जिसे हम अपने आप को अर्थक्वेक आने से पहले बचा सके। मुझे याद आ रहा है हमारे एक बायोलॉजी के सर के वार्ड्स, जिन्होंने हमें क्लास करने के दौरान ये कहा था कि दुनिया कितना भी तरक्की क्यों ना कर दिए, वो प्राकृतिक विपर्जय से बचने के लिए कितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों ना यूज करें, लेकिन हम कभी भी प्राकृतिक विपर्जय को आने से उसे रोक नहीं सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो कितना समय आएगा उसका 100% एक्यूरेसी हम निकाल सकते हैं, लेकिन कभी भी हम उसे आने से रोक नहीं सकते। लेकिन सबसे अच्छी खबर दुनिया के लिए ये है कि गूगल ने अनाउंस किया है कि उनके पास ऐसा एक वार्निंग सिस्टम डेवलप हो चुका है जिसके जरिए हम भूकंप आने से पहले यानी कि 10 मिनट पहले हम सभी अलर्ट हो सकते हैं, और ये टेक्नोलॉजी है गूगल का अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम, जो कि सबमरीन कम्युनिकेशन केबल के जरिए वो अपना काम करता है। उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा इसी वीडियो के दौरान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। हम फिर आएंगे और एक नए वीडियो, एक नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।